प्रिय छात्रों, आज 16 अगस्त 2020 क्लास 3 की मैथ का पार्ट 48 देखने जा रहे हैं। पेज नंबर 71 पर एक्सरसाइज आपकी है 6.2 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप। कहता है राइट द डिवाइडेशन फैक्ट। डिवाइडेशन में इसको लिखिए, डिवाइडेशन जो है कन्वर्ट में करके, और फिर क्या कहता है फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल क्वेश्चन, और जो है इसको बाद में मल्टीप्लाई क्वेश्चन फैक्ट में भी आपको लिखना है। तो आप देख रहे हैं ये आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सॉरी जो ये आपका मल्टीप्लाई क्वेश्चन लिखा हुआ है फैक्ट। अब इसको आपको डिवाइडेशन फैक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एक पॉइजन डायरेक्ट, यानी इसका ये मतलब होता है कि आपके जो 15 और 6 है ये दोनों की मल्टीप्लाई की जाए और ये बराबर बराबर होते हैं, ये निशान जो लगा हुआ है बराबर का है, इक्वल का है, इक्वल बराबर। जैसे आपने तराजू में देखे दो पलड़े लगे हुए होते हैं, एक तरफ आपका जो है ये बाट रखे हुए हैं और एक तरफ आपका ये अनाज समझ लो रखा हुआ है, और इसकी तराजू बिल्कुल बराबर है। तो इसी प्रकार से यानी इनका भाग यानी मल्टीपल जो है इतना आया है, तो इसको डिवाइड में कैसे लिखेंगे, तो 90 डिवाइड 50 कौन पहले वाले, तो आंसर क्या आएगा, 50 का डिवाइड पड़ेगा 90 में, कितना हो जाता है 15 6 90 हो गया। ये आ गया आपका क्वेश्चन। अगली बार क्या करेंगे, यही 90 लेंगे, अब डिवाइड में 6 रखेंगे, पहली बार आपने रखा था 5 को, अगली बार रखेंगे 6 को, जब आंसर आएगा तो क्या होगा 15। कैसे देखो, 6 से डिवाइड करेंगे 90 को, 6 बन जा 6, कितने कराए 3 बच के बता लिया 0, 6 5 जा 30, तो हो गया या 15 आ गया। यानी आपने क्या देखा, जब हमने 90 को 15 से डिवाइड किया तो क्वोटेंट आया 6, ठीक। जब 90 को हमने 6 से डिवाइड किया तो क्वोटेंट क्या आया 15। इस प्रकार से आपको सारी एक्सरसाइज लिखनी है। 17 × 3 बी वाला देखो क्या है, 17 × 3 इक्वल टू 51, ठीक है। आप देखिए क्या आपको लिखना है, तो क्या होगा, तो 51 जो क्वोटेंट है इसको डिवाइड करेंगे पहले 17 से, 17 × 3 = 51 होता है, आ गया। फिर इसी को 51 को आप डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे, आप 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर क्या 17 आएगा, ठीक है 17 आ गया। कैसे, अब भाग करके देख लो, क्या है ऐसे देख लो, 3 × 3 = 2 21 कट गया पूरा पूरा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये मल्टीपल को डिवाइडेशन फैक्ट में चेंज कर दिया हमने। इसी प्रकार से आप चेंज कर लेंगे सारी एक्सरसाइज, इसी प्रकार से है बुक पर ही आप कर लेंगे इसको, ठीक है, कहाँ कर लेंगे, बुक पर ही कर लेंगे। आज बस इतना ही।